दखल दिया है। अकाल तख्त ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नव नियुक्त 11 पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगा दी है। अकाल तख्त ने यह भी कहा कि अमृतसर स्थित SGPC ही हरियाणा के 25 बड़े सिख धर्म स्थलों की देखरेख करेगा। अकाल तख्त ने SGPC को आदेश दिया है कि वो गुरुद्वारों के प्रबंधन में दखल अंदाजी न दे। वहीं अकाल तख्त के इस आदेश को लेकर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में गुस्सा है। कमेटी का आरोप है कि अकाल तख्त के जत्थेदार पंजाब के CM प्रकाश सिंह बादल के इशारे पर काम कर रहे हैं। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर के बवाल पिछले कई दिनों से मचा हुआ है और ये बवाल मचने के बाद ये मामला सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ही नहीं रह गया बल्कि सियासी भी हो गया। और सबसे ताजा अपडेट यह है कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बवाल में अब अकाल तख्त भी कूद पड़ा है। चूंकि अकाल तख्त सिखों की सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च धार्मिक संस्था मानी जाती है, लिहाजा अकाल तख्त का बीच में आना कई अलग अलग बातों की ओर इशारा करता है। हालांकि जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनमें काफी गुस्सा है, लोगों का यह कहना है कि अकाल तख्त के जत्थेदार पंजाब के CM प्रकाश सिंह बादल के इशारे पर काम कर रहे हैं।